गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्निकस गार्डन। फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो प्लांट लेकर आई हूं, ये जेड प्लांट है, आपको पता ही चल रहा होगा। तो जेड प्लांट बहुत ही घर में रखने के लिए बहुत ही शुभ होता है, ये फेंसुई के लिए बहुत ही शुभ होता है, और इसलिए इसे आप अगर रखेंगे घर में तो किस जगह रखेंगे वो भी एक जानना जरूरी है। तो आप जो है इसे वेस्ट फेसिंग बरामदा या खिड़की हो और रूम के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक बात ये है कि जेड प्लांट को ना एवरीडे हर रोज 4 घंटे का जो है पूरा का पूरा यानी ब्राइट सनलाइट चाहिए, पूरा तेज इसकी जो है सूर्य की किरणें इसे बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आप लोग बहुत मुझे लिखकर भेजते हैं, पीक भेजते हैं, पूछते रहते हैं कि क्यों मैं जेड प्लांट जो है वो नर्सरी से खरीद के लाई हूँ और फिर ऐसा क्यों हो जाता है, ये ब्राउन होके झड़ जाते हैं पहले पत्तियां, फिर मर जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेड प्लांट को ना बहुत ज्यादा सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, एक। और दूसरी बात है ओवर वाटरिंग। आप लोग जेड प्लांट को अगर बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो वो जल्दी जल्दी मर जाएगा। क्यों? कारण ये है, ये एक सकुलेंट है प्लांट, और सकुलेंट होने के कारण आपको पता ही होना चाहिए सकुलेंट प्लांट के ये जो लीव्स होते हैं, देखिए इसके भी मोटी मोटी सी है, यानी इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ रहता है। तो जिस प्लांट में आप सोचिए हर पत्ते में पानी भरा हुआ है, तो उस प्लांट को अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो क्या हाल होगी, ये तो हमसे ज्यादा आपको ही पता चलता होगा जिनका ये होता है समस्या। दूसरी समस्या ये है कि मैं तो कह रही हूं कि ये इंडोर है, लेकिन इंडोर अगर रखेंगे ऐसी जगह रखिए इसे जहां धूप आती हो, ऐसे खिड़की के पास। मेरी तो ये, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, मेरी ये तो बरामदे में ही रहते, वेस्ट फेसिंग बरामदे में, यानी धूप काफी इसमें पड़ता है, और पानी यानी जो सॉयल काफी ड्राई होनी चाहिए इसके, बहुत, जब एकदम ड्राई हो जाए तब पानी दीजिए। पानी कम में ये मरता नहीं है, सूखता भी नहीं है, लेकिन जहां आपने ज्यादा पानी दे दिया वो पहले पत्ते सड़ के झड़ जाएंगे और बाद में खुद ये पेड़ जो है एकदम खत्म हो जाएगा, ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें ना मिलीबग्स भी होता है, कुछ फ्रेंड्स उनको पता नहीं चला तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, सफेद सफेद सिकुड़ क्यों जाता है मेरा प्लांट, तो फ्रेंड्स वो मिलीबग्स के कारण होता है। तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा कि मिलीबग्स के लिए मैं क्या करती हूँ, वो नीम ऑयल स्प्रे रात को, उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और मैं ये करती हूँ, मेरा देखिए प्लांट काफी तो हेल्दी है, कुछ है नहीं मिलीबग्स वगैरह, मैं 15 दिन बाद बाद ये, यानी महीने में 2 बार, कुछ हो ना हो यानी मिलीबग्स हो या कोई कीड़े मकोड़े लग जाए ऐसा नहीं है, इसे स्प्रे करती हूँ, जिसके कारण ये इतना हेल्दी है। आप वो देखिए, इसके पत्तियों को देखिए, ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, ये तो एक बात हुई, और मैं बताऊँ इसके फर्टिलाइजर की बात, तो इसे ना अब जब लगाएं तो उसके बाद 1 महीने बाद जो है इसे फर्टिलाइजर देना शुरू कीजिए। और एक बात मैं बताऊं, आप लोग जब नर्सरी से खरीद कर लाते हैं ना, तो आप लोग ध्यान से जब पॉटिंग मतलब पॉट चेंज करते हैं घर में लाकर,
तो एक बार ध्यान दीजिए कि उनके नर्सरी वालों के जो मिट्टी वो लोग देते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे मिट्टी दे देते हैं, चिकनी मिट्टी, जो जिसके कारण क्या होता है, ये इसका ग्रोथ बंद हो जाता है, इसके रूट्स जो है आगे नहीं बढ़ जाते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको टिप्स बता दूं। आप जब लाते हैं ना नर्सरी से, तो क्या करेंगे आप, उस पहले तो वो पैकेट को फेंक दीजिए, फिर वो रूट आप हाथ से मत तोड़िए, उसे थोड़ी देर बाल्टी में पानी में रख दीजिए, देखना गीली होते होते मिट्टी सारे निकल जाएंगे, फिर जो रूट निकल आएगा। इसके बाद आप पॉटिंग सॉइल तैयार करके उसमें ये दबा दीजिए। अब पॉटिंग सॉइल मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो इसे प्रोपोगेट करूंगी मैं। तो पॉटिंग सॉइल फ्रेंड क्या होगा इसका, कुछ नहीं, इसमें वर्मी कंपोस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोकोपीट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गार्डन सॉइल एंड बालू यानी रेत बजरी, इसमें वो काफी हेल्दी, मेरा पॉटिंग सॉइल वही है। और इसमें क्या होता है रेत, क्यों, क्योंकि इसमें मिट्टी के जो नमी वगैरह होते हैं वो रेत के कारण जो है पानी वो इतना ठहरता नहीं है, और पानी अगर ना ठहरे, ये ड्राई क्लाइमेट और इस तरह के सकुलन प्लांट आपको पता ही है जो है वो, इसके लिए पानी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, ये ज्यादातर डेजर्ट वगैरह में बहुत अच्छी तरह से होते हैं, जहां धूप तेज मिलता है और पानी कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टिप्स आपको मैंने दे दिया है, अब प्रोपोगेशन मैं दिखा रही हूँ, देखिए आपके सामने ही मैं प्रोपोगेशन करके दिखा रही हूँ। जेड प्लांट के सॉइल मिक्स, इसमें कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट इतनी जरूरत नहीं है, केवल आप रेत यानी यही बजरी जिसे कहते हैं, ये रेत और गार्डन सॉइल यही इसके लिए हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कई बार मुझसे ये पूछते हैं, आप लोग फोटो भी भेजते हैं कि कैसे क्यों हमारा जेड प्लांट इस तरह से हो गया, पत्ते झड़ रहे हैं और क्यों मर जाते हैं, तो इसका यही कारण है, इसकी सॉइल जो है वो मिक्स अच्छी होनी चाहिए और उसमें बालू यानी रेत और गार्डन सॉइल, दैट्स इनफ फॉर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यहां से काट लिया है, देखिए इसे रख रही हूं, फिर यहां से देखिए बूशी करने के लिए हमें तो ये काटना जरूरी है। मिट्टी में दबा दिया, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं, मिट्टी में मैंने दबा दिया। अच्छा ये नहीं तो मैं थोड़ी सी होल्ड कर लूं, रहना आप लोगों को। ये देखिए यहाँ जो है मैंने दबा के, ये देखिए दबा के लगा दिया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें स्प्रे कर दूंगी, थोड़ी सी पानी, ज्यादा नहीं, जो कि जितनी आवश्यक है इसके लिए उतनी ही।
कोई खास नहीं। सेट प्लांट के लीफ में ना पानी नहीं लगना चाहिए, दाग हो जाता है, सड़ जाते हैं। छोटी सी है, क्या करूं मैं, हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स, ये पत्तियां मैं फेंक दूंगी। मुझे लगता है आज का वीडियो जो है, मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत कुछ आप लोगों को मैंने बताया है जेड प्लांट के बारे में। अब शायद आप लोग अगर नहीं भी खरीदे होंगे, जरूर खरीद के लाए, अपने घर में जेड प्लांट होनी चाहिए, काफी शुभ होता है और इजी टू केयर है। इसे मैं वही कह रही हूँ ना, पानी वानी इतनी आवश्यकता नहीं है, इसे जस्ट धूप में आप रख दीजिए, बस। बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं ये, बहुत ज्यादा। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड, लाइक कीजिए। बाय।